नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुद्ध की खोज की विशेषता के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी की खोज में हमेशा ही रहते हैं। भगवान की खोज में तो हर व्यक्ति है और चाहता है कि उस खोज को वह पूरा कर ले। भगवान को इधर से उधर खोजते हुए निकल तो जाते हैं, उसे अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता होती कि वह किस खोज में है और कहाँ भटक रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह इंसान को खोजते खोजते भगवान के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। उन्हीं में से हैं बुद्ध भगवान। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध की खोज में निकल गया कि भगवान को खोजने के लिए वह पाने के लिए कहाँ तक जा सकता है, और वह धीरे धीरे करके पहुँच भी गया। जब देखा कि वह उस भूमि पर पहुँच गया जहाँ पर बुद्ध जन्मे थे या बुद्ध की भूमि थी, तो वह बुद्ध भगवान को खोजने लगा और देखने लगा कि इधर उधर ही तो नहीं है बुद्ध भगवान। तो उसने दूर से किसी को पानी में बहते हुए देखा। पानी में बहता हुआ देखकर वह सोचने लगा कि कोई तो है जो इस साइड आ रहा है। तो उसने जब वह नजदीक आ गया तो नजदीक के बाद उसने जब उसे देखा, छूने की कोशिश करी तो उसने उसे पहचान लिया और उसने देखा कि वह उसी का ही शरीर था जो नदी में पानी के बहाव में बह रहा था। वह उसे देखकर चिल्लाया, चीखा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को यानी कि अपने ही शरीर को मरा हुआ देखकर और नदी में बहता हुआ देखेगा तो हर किसी व्यक्ति की यही संभावना और यही उत्तेजना होगी। वह व्यक्ति रोकर चिल्लाने लगा और यह थी उसकी सबसे बड़ी खोज, क्योंकि जब व्यक्ति को अपनी ही मृत्यु का एहसास हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसने अपने भगवान को पा लिया है। भगवान को यहाँ से वहाँ खोजने की जरूरत नहीं होती, भगवान को अपने हृदय में ढूंढा जाता है, अपने ही ज्ञान शक्ति में ढूंढा जाता है। यदि आप अपने ज्ञान शक्ति में और अपने ही मेडिटेशन में देखते हैं भगवान के दर्शन करते हुए, तो इससे आपको भगवान के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। तो इस प्रकार उस व्यक्ति ने भगवान को खोजा और बुद्ध भगवान की खोज इसी प्रकार हुई। और ये थे भगवान बुद्ध की खोज। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।